नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। आज मैं करदम रावल आपका दोस्त रोज की तरह लेके आया हूँ द हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस हिंदी के अंदर। आज की तारीख है 7 सितंबर 2018 शुक्रवार, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें हुए भारत के अंदर 6 सितंबर 2018 को। तो हिस्टोरिकल डे रहा है आज का 18 2018 की साल का, और हम कहते हैं वी बिलीव इन डिलीवरिंग एक्सेलेंस। तो यहाँ पर हमने जनरल स्टडीज के 9 सब्जेक्ट का कोर्स तैयार किया है, जहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी 300 आवर्स के अंदर, 350 लेक्चर्स के अंदर, पीडीएफ के साथ वीडियो मिलेगा आपको, 30 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के साथ, हर महीने का मंथली करंट अफेयर का डोज, और इसको आप एक्सेस करवाओगे 2019 के मेंस एग्जामिनेशन तक। अनलिमिटेड टाइम रिविजन पॉसिबल है, नो रिस्ट्रिक्शन, नो हिडन टर्म्स एंड कंडीशन, इसीलिए हम कहते हैं इट्स अ गारंटी दैट इट्स फार बेटर देन योर ऑफलाइन क्लासेस। तो यहाँ पर इस कोर्स की जो प्राइस है वो लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर के तहत यहाँ पर 3,999 रुपीज विथ इंक्लूजिव ऑफ टैक्सेस है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एथिक्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन, कुल मिलाकर 9 सब्जेक्ट मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है जहां पर आप रजिस्टर करवा सकते हैं, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस डाल के आप जो है रजिस्ट्रेशन पेमेंट के बाद करवा सकते हो। अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कूपन कोड चाहिए तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए। तो आज का मंत्र से शुरुआत करेंगे, रॉड में कुछ इस तरह से रहता है, उसके बाद देखते हैं मोटिवेशनल कोटो के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर, यहाँ पर पिछले एडिटोरियल में पूछे गए क्वेश्चन और उसका आंसर, उसके बाद फन फैक्ट यानी कि आज का ज्ञान, दो इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर आपके साथ शेयर की जाएगी, उसके बाद जो है एनालिसिस करेंगे दो मुद्दों के ऊपर। एक तो है साउथ अफ्रीका के अंदर जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है लैंड का, तो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन इन साउथ अफ्रीका, पीस ऑफ लैंड की कितनी अहमियत है, और यहाँ पर किस तरीके से अफ्रीका की जो स्थिति है वो आज भी गरीब देशों के अंदर आती है, तो यहाँ पर क्यों जो है साउथ अफ्रीका इतना गरीब है, कई एंगल से इसको देखेंगे। पिछले जो इनके लीडर थे, आज के जो लीडर है उसके अंदर और उनकी सोच के अंदर क्या डिफरेंसेस है, माइन इंडस्ट्री जो है साउथ अफ्रीका की वो कितनी विशाल है, सारी चीजों के ऊपर एनालिसिस करेंगे। उसके बाद देखेंगे राइट टू लव ऑन सेक्शन 377 वर्डिंग, तो यहाँ पर जो इंडियन पिनल कोड है उसके रिगार्डिंग बहुत ही दिलचस्प इंफॉर्मेशन निकल के आई है। अब जो है फाइनली यहाँ पर सारी चीजें जो है सुलट गई है और फाइनल वर्डिक्स जो है आ गए हैं। तो अब जो देखने की बात यह है कि कोर्ट ने जो है फाइनल वर्डिक्स के अंदर क्या कहा है, और अब तक थोड़ा सा इतिहास इस सेक्शन के बारे में देखेंगे, और 377 क्या मसला है, कहां से उठता है, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। यहां पर हम अंत में आपको मिलेगी वोकैबुलरीज, जो द हिंदू न्यूज़पेपर में से 10 अंग्रेजी के शब्द निकाल के हम आपके लिए लाते हैं, जो आपकी राइटिंग स्किल्स को इनहांस और इंप्रूव करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो यहां पर जो आज का मोटिवेशनल है वो है एमिली लाहौत का कहा हुआ, डेमोक्रेसी, गुड गवर्नेंस एंड मॉडर्निटी कैन नॉट बी इंपोर्टेड और इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड अ कंट्री। तो इससे जो है बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इंडिया के अंदर आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो बेसिकली अगर कहीं से लिया हुआ है तो पहले तो वो कई कंट्रीज में से लिया हुआ है, आप सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के अंदर आप पढ़ चुके हैं। दूसरी बात यहां पर ये है कि 1935 के अंदर जब इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी के तहत आता था तो उसके अंदर हमारा 1935 के अंदर GOI आया था, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो उसके तहत कई सारी 321 सेक्शंस थी, उन सेक्शंस में से हमने जो है मेजोरिटी सेक्शंस जो है वो वहां से उठा ली थी। तो यहां पर जो है डेमोक्रेसी अगर आपको कंट्री में लानी है, भारत विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, गुड गवर्नेंस की हमारी जो आज की सरकार है वो बातें करती है कि गुड गवर्नेंस इज इक्वल टू मिनिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस, और कहते हैं मॉडर्निटी, तो मॉडर्निटी जो है हम आज अपने आप को समझते हैं कि हम मॉडर्न है, लेकिन रियलिटी के अंदर मॉडर्निटी हम लोगों के अंदर नहीं है। आज भी जो है अनइक्वालिटी देखने को, इनइक्वालिटी देखने को मिलती है लोगों के बीच में, लोगों के बीच में इंफीरियर कॉन्फ्लिक्शंस देखने को मिलते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आप इंपोर्ट नहीं कर सकते किसी कंट्री से, या फिर आप इम्पोज भी नहीं कर सकते अपने कंट्री के अंदर, ये देश के अंदर खुद ब खुद होना चाहिए, इंटरनली हमें लगना चाहिए कि भारत मेरा देश है और मुझे इसको गर्ववान फील कराना है, तभी जो के हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी, गुड गवर्नेंस और मॉडर्निटी एक कंट्री के अंदर उत्पन्न हो सकती है। इसको पहले तो उत्पन्न करना है, उत्पन्न करने के बाद ये ग्रो होगी। तो आज का जो क्वोटो है इसकी बहुत ही डीप मीनिंग है, आशा करते हैं आप इसको कहीं यूज कर पाओगे। देखते हैं पिछले एडिटोरियल के अंदर हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट एवर फाइनेंशियल सपोर्ट टू विच इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट टू पार्टिसिपेट इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसको पार्टिसिपेट इन इंग्लैंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनमें से किसको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाला है इंटरनेशनल इवेंट के अंदर, ब्रिज, इक्विस्ट्रियन, कबड्डी और खो खो यहाँ पर ऑप्शन दे, और करेक्ट आंसर है खो खो। जो हमारे कमेंटर्स थे जिन्होंने सही जवाब दिया है वो है प्रिंस हाजी, सईद डाबेर, सबा सबा, अमृतपाल सिंह, अरिफ मलिक,
दर्श जयेश और राहुल आर के ने, तो इन सभी को मिलता है हमारे कोर्स के रिगार्डिंग कूपन कोड। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मोबाइल नंबर मिलेंगे, वहां पर आप कॉल करके कूपन कोड प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारा जो कोर्स है वो और भी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिल जाए। जो आज का प्रश्न है वो दिलाएगा आपको मौका यहाँ पर अपना नाम प्रकाशित करवाने का, और आपको मिलेगा हमारे कोर्स के रिगार्डिंग कूपन कोड। तो आज का जो प्रश्न है वो है, अंडर व्हाट लॉ द इंटरनल ओम्बड्समन स्कीम यानी कि आईओ स्कीम 2018 will give statutory powers to internal ombudsman। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि ombudsman क्या है। यहाँ पर ऑप्शन है RBI एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट और कंपनीज एक्ट। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, सोच समझ कर नीचे कमेंट के अंदर आंसर दीजिएगा, थोड़ा सा रिसर्च करके आंसर दीजिएगा और आपका नाम यहाँ पर हम जरूर से प्रकाशित करेंगे। तो यहाँ पर है आज का ज्ञान यानी कि फन फैक्ट। तो देखते हैं कि क्या नई चीजें जो है हुई है आजकल हमारे आसपास। पहला जो पार्ट है वो है यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में कुछ बहुत ही उम्दा न्यूज। तो इन्होंने जो है मार्स पर जाने का फैसला कर लिया है, और इन्होंने जो अपना प्रोजेक्ट है, जो मिशन है, उसका नाम रखा है HOPE, होप यानी कि आशा। तो यहाँ पर जो है ये 2020 के अंदर शुरू करेंगे और 21 के अंदर, 20 के अंदर ही लॉन्च करेंगे और 21 के अंदर जो है पहुंच जाएंगे। तो लॉन्च जो है ये पहला ऐसा मिशन होगा जो एक अरब कंट्री या फिर आप कहें कि एक मुस्लिम कंट्री के द्वारा मार्स पर जाने का कभी किसी ने सोचा भी होगा। तो यहाँ पर जो एम है वो ये है कि जो इमिराती इंजीनियर्स है, यूनाइटेड अरब इमीरात, जिसको हम लिटिल स्पार्टा के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर इनका नॉलेज इंक्रीज करना है, इनको ह्यूमन नॉलेज इंक्रीज करना है मार्शियन एटमोस्फियर के रिगार्डिंग। दूसरा, ये जो प्रोजेक्ट है, जो होप मिशन है, ये स्टडी करेगा एटमोस्फेरिक लेयर्स ऑफ द मार्स इन डिटेल। यहाँ पर जो कोरोजन हुआ है उसके पीछे का रहस्य क्या है, वहां पर पानी नहीं है तो क्यों नहीं है। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रकाश डालेगा वहां के वेदर के ऊपर और वहां के वेदर के फेनोमेना के ऊपर, जैसे कि डस्ट स्ट्रोम का आना, कि चेंज इन टेम्परेचर। वहां पर आपको पता होगा कि बहुत ही जल्द टेम्परेचर बहुत कम से ज्यादा या ज्यादा से कम हो जाता है। एटमोस्फियर के साथ इंटरेक्शन जो है टोपोग्राफी का, वो सभी स्टडी किया जाएगा। हाईएस्ट वोल्केनो पीक जो है वो देखी जाएगी, आइस शीट्स जो है वहां पर वो देखी जाएगी, वास्ट डेजर्ट, इवन डीपेस्ट कैनियंस जो है वो सारी चीजें स्टडी करेगा ये होप मिशन। और अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो मिशन है वो 2021 तक मार्स के ऊपर लॉन्च यहां से हो जाएगा, 2021 तक मार्स में पहुंच जाएगा। और यहां पर एक कोइंसिडेंस ये है कि 50वीं एनिवर्सरी होगी अगर ये 21 को वहां तक पहुंच जाता है, तो यूएई जब से फॉर्म हुआ है उसको 50 साल हो जाएंगे। तो बहुत ही गुड न्यूज है अरब कंट्रीज के रिगार्डिंग ये वाले। दूसरा जो है, जिसका हमें था सदियों से इंतजार, ऐसी कुछ न्यूज, सदियां तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत टाइम कहेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड ऑफ 2+2 डायलॉग्स हुए हैं इंडिया और यूएस के बीच में दिल्ली के अंदर 6 सितंबर को। तो पहले तो मैं आपको 2+2 का मतलब समझा देता हूँ। 2+2 के अंदर होती है दो पार्टीज यानी कि दो कंट्रीज, और दोनों कंट्रीज के दो डिपार्टमेंट्स जो है वो आके कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पर हमारा जो डिपार्टमेंट था वो डिफेंस मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, जो सुषमा स्वराज और निर्मला सीतारामन संभाल रही है, उन दोनों ने यूएस के जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइकल पोम्पोई और डिफेंस सेक्रेटरी जेम्स मैटिस के साथ मुलाकात की और कई मुद्दों के ऊपर जो है यहाँ पर डिस्कशन की है, जैसे कि ट्रेड, काउंटर टेररिज्म को कैसे कॉम्बैट करना, इंडिया के कंसर्न्स रिगार्डिंग टू द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी डिसीजन मेकिंग पॉलिसी, इवन जो उनका H-1B वीजा प्रोग्राम है उसके तहत हमें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है वो। इसके अलावा यूएस ने जो सैंक्शंस लगाए कि हम लोग जो है ईरान से ऑयल परचेज नहीं करेंगे क्योंकि कोई नहीं कर सकता, तो हमने अभी तो वो बात मान ली थी, लेकिन हमारे जो है उस बात पर मानने से हमारे इम्पोर्ट्स के ऊपर बहुत सारी जो है बर्डन बढ़ रही है। तो यहाँ पर इंडिया को परमिशन मिले ऐसी भी बात हम करने वाले थे, तो वो भी हमने की। और एक लॉन्ग पेंडिंग कॉम कासा जो था यानी कि कम्युनिकेशन कंपेटेबिलिटी सिक्योरिटी एग्रीमेंट, तो उसके ऊपर हमने कम्युनिकेशन किए कि भाई इसके रिगार्डिंग आप जो है कुछ फाइनल जो है स्टेप्स निकाल के दीजिए, क्योंकि क्रिटिकल सिचुएशन है हमारी इस मुद्दों के ऊपर, कॉम कासा के ऊपर। और जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है,
इंडियन डिफेंस प्लेटफॉर्म्स जो है उसके साथ भी हमारे कुछ डिस्कशंस हुए कि भाई हमारे जो रशिया के साथ इश्यूज हुए थे, रशिया के साथ हमें जो एग्रीमेंट्स किए थे आर्मामेंट्स और जो डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेस करने के रिगार्डिंग, तो वहां पर जो है अमेरिका जो है वो रेडी नहीं है, हमारे लिए खुश नहीं है कि हमने उनसे परचेस किया तो क्यों किया। तो उन सभी मसलों के ऊपर हमने एक साथ इसी 2+2 के फर्स्ट राउंड के अंदर बहुत सारे जो है टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर ली। तो देखते हैं ये है साउथ अफ्रीका के अंदर कहां से कौन सी चीजें प्रोड्यूस होती है, जहां पर वेजिटेबल्स से लेके ग्रेन से लेके शुगर से लेके फॉरेस्ट्री से लेके फ्रूट्स कैस्टल शिप्स डाइवर्स और यहाँ पर सब्सिस्टेंसेस और नन जैसे पार्ट जो है वो अलग अलग क्षेत्र के अंदर क्या क्या उपज होती है, इन मुद्दों के ऊपर की ये पिक है, ग्राफिकल और मैपिकल प्रेजेंटेशन। यहाँ पर जो पीस ऑफ लैंड है उसके ऊपर इस एडिटोरियल का डिस्कशन निर्भर करता है। तो डिस्कशन की शुरुआत होती है कि भाई साउथ अफ्रीका के अंदर जो आज स्थितियां है वो कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे वाली स्थितियां है, इवन आप कह सकते हैं जो डिप्रेशन कहे या फिर अल्ट्रा हाई इन्फ्लेशन कहे या फिर आप कहें 1990 के अंदर जो वायलेंट हुए थे फार्म सीजर्स, ये भी सारे मसले यहाँ पर डिस्कस करने लायक है जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं अभी साउथ अफ्रीका की कंडीशन के साथ। तो अफ्रीका के अंदर आप सबको पता है कि अभी जो प्रेसिडेंट है जिसका नाम है साइरिल रामफोसे, तो रामफोसे एक इवन बिजनेस टाइकून भी है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप इवन अ बिजनेस टाइकून एंड प्रेसिडेंट, इसी तरीके से साउथ अफ्रीका के अंदर यहाँ पर प्रेसिडेंट और बिजनेस टाइकून जो है रामफोसे ये इवन ट्रेड यूनियन लीडर भी है। और इन्होंने जो है डिसाइड किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ लैंड है उसके अंदर कंपेंसेशन प्रोवाइड कराना है एक्सप्रोप्रिएशन के बगैर। तो यहाँ पर हर किसी के पास राइट टू हैव प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ऐसा अधिकार होना चाहिए। तो 24 सालों से अभी देखा जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो है रंग भेद यानी कि अपार्थाइड जो है वो आज भी प्रिवेल करता है। ब्लैक जो है इनकी मेजोरिटी है लेकिन इनके पास लैंड ओनरशिप इतनी मात्रा के अंदर नहीं है, अलग अलग रेशियल ग्रुप्स जो है यहाँ पर उनके पास लैंड है और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो लैंड है वो मसला इसके पहले वाले प्रेसिडेंट जैकब जुमा के टाइम पर भी प्रिवेल करता था। तो साउथ अफ्रीका के अंदर स्पीडी रिफॉर्म्स की सिर्फ बातें हो रही है, 25 सालों से ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो रंग भेद का मसला हो या फिर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का हो, लेकिन यहां पर जो कोई सॉल्यूशन नहीं आया। आज अगर साउथ अफ्रीका की आप गरीबी की बात करो तो वहां पर 25% लोग तो बेरोजगार है, हम जो है वो 20 से कम प्रतिशत जो है हम गरीब है, लेकिन आज भी इंडिया के अंदर 4% तक लोग बेरोजगार है, तो 20% के ऊपर 4% बेरोजगार है। तो अगर आप सोचिए तो साउथ अफ्रीका के अंदर 25% तो लोग बेरोजगार है, इसका मतलब जो है आप लगा सकते हो कि वहां पर गरीबी कितनी ज्यादा हो सकती है। तो टॉप जो वहां की पॉलिटिकल ग्रुप पार्टी कहे तो वो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और वहां पर जो है वो फोकस करती है नेचुरल वेल्थ के ऊपर। नेचुरल वेल्थ का मतलब क्या होता है, नेचुरल वेल्थ के अंदर सबसे लीडिंग पार्ट होता है कि माइनिंग इंडस्ट्री। तो साउथ अफ्रीका ही एक ऐसा, अगर आप पूरा कॉन्टिनेंट कहे तो अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट बचा है जिसका अभी तक इतना ज्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है। बाकी देखिए आप ऑस्ट्रेलिया ले लो, एशिया ले लो, या फिर आप यूरोप ले लो, या फिर आप ले लो अफ्रीका, तो दोनों अफ्रीका मिला लो तो सभी जगह पे इतना ज्यादा डेवलपमेंट और एक्सप्लोरेशन और इतनी ज्यादा जो है ट्रांसपेरेंसी आई है कि बहुत सारे नेशन जो है वो बहुत ही आगे बढ़ गए, लेकिन अफ्रीका जो है ये कॉन्टिनेंट ही आगे नहीं बढ़ पाया है। तो साउथ अफ्रीका उनमें से ही एक इनका पार्ट है, और नेल्सन मंडेला के टाइम से लेके यहाँ पर अगर बात करें तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की ही हुकूमत रही है, लेकिन इतने टाइम फ्रेम के बाद भी सदियों से जो है ये एक अनएक्सप्लोर्ड कॉन्टिनेंट, एक ऐसा कंट्री रहा है जिसका जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाया। यहाँ पर रंग भेद का मसला, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है। इवन वर्ल्ड बैंक की कहता है कि अगर आपको पॉवर्टी रिड्यूस करनी है और अगर आपको अपनी स्किल्स की जो डेफिसिट है उसको कम करना है तो आपके यहाँ पर जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आपको आगे बढ़ाना है। तो इन सभी चीजों के साथ यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट आर अंडर कंसिडरेशन एम टू मेक लैंड एक्सप्रोप्रिएशन प्रोविजन मोर एक्सप्लिसिट, ये मसले के साथ जो है अभी प्रेसिडेंट जो है साइरिल ने फोकस किया है। तो मिस्टर रामपोसा जो है ये कहते हैं कि बैलेंस जो है मुझे बनाना है, और यहाँ पर माइनिंग सेक्टर जो है
इसको मैं चेंज करना चाहता हूं। तो इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स जो है ये इस बात से तो सहमत है, लेकिन 2019 के अंदर आने वाले जनरल इलेक्शन की तरफ इन लोगों की उंगली उठती है कि क्या ये इलेक्शन आने के कारण ये सारी ऐसी बात कर रहे हैं, या फिर एज अ प्रेसिडेंट अपनी मिनिस्टर्स और अपनी मिनिस्ट्री के तहत सभी लोगों को जो है एक सही मायनों के अंदर आगे बढ़ाने की कोशिश के अंदर लगे हुए हैं। तो मेन मुद्दा ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है लैंड के संदर्भ के अंदर, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेटिव बातें अब तक हुई है साउथ अफ्रीका में, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। लेकिन पॉलिटिकली कंटेंशियस अगर कहे तो अभी जो मिस्टर रामपोसा का जो कहना है वो एक सही मायनों में एक सही पॉइंट के ऊपर बात रख के बोल रहे हैं। और यहाँ पर अगर लैंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के अंदर तहत कन्वर्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर, लैंड और माइनिंग सेक्टर अगर ठीक से परफॉर्म करना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली अब यहाँ पर साउथ अफ्रीका का ग्रोथ ही यहाँ से शुरू होना शुरू होगा। तो इस एडिटोरियल के अंदर इतना ही, दूसरी तरफ नजर डालते हैं, यह है दिल्ली की सड़कों के ऊपर 377 को सपोर्ट की खुशी के अंदर निकले हुए कुछ होमोसेक्सुअल्स की तस्वीरें। तो यहाँ पर जो है पिक के अंदर आप देख सकते हैं, देयर इज वन गर्ल हु इज हैविंग अ पोस्टर इन हिज हैंड, जहां पर इन्होंने मेल मेल और फीमेल फीमेल की पिक्चर्स जो है वो बनाई है और यहाँ पर लिखा है कि लव इज लव, प्यार प्यार होता है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको थोड़ी सी पहले बात बता दूं इस एडिटोरियल के डिस्कशन करने से पहले और कहां से ये शुरू होता है। तो 377 एक इंडियन पिनल कोड की एक सेक्शन है जो आती है 1863 के एक्ट, ब्रिटिश एक्ट के तहत, तो बी प्रिसाइज 1860 के आसपास का ये टाइम है 1860s का। तो उसके अंदर यहां पर जो है एक इंडियन पिनल कोड की एक सेक्शन है 377 आईपीसी की, तो वहां पर क्या है, ये ब्रिटिश टाइम पीरियड की है, अंग्रेजों के जमाने की बात है, जहां पर आप जो है आप माने कोई भी इंडिविजुअल हिंदुस्तान के सरहद के अंदर मेल मेल के साथ, मेल जो है किसी भी एनिमल के साथ, किसी भी बर्ड के साथ, और फीमेल किसी मेल के साथ के अलावा, यानी कि फीमेल किसी फीमेल के साथ, फीमेल किसी एनिमल के साथ या फीमेल किसी बर्ड के साथ जो है किसी भी तरीके का फिजिकल रिलेशन जो है वो नहीं कैरी आउट कर सकते। यानी कि अगर मेल मेल से प्यार करता है तो वो हो जाता है, अगर फिजिकल रिलेशन है तो वो है गे, फीमेल फीमेल से प्यार करते हैं तो उसको बोलेंगे कि ये है लेस्बियन। और यहाँ पर जो है ट्रांसजेंडर भी होते हैं, होमोसेक्सुअल का मतलब है कि एक ही जो है अपने सेक्स के साथ सेक्स करना, यानी कि मेल का मेल के साथ और फीमेल का फीमेल के साथ होमोसेक्सुअल। और हेटरोसेक्सुअल का मतलब है कि भाई मेल का मेल के साथ, मेल का फीमेल के साथ, फीमेल का फीमेल के साथ और फीमेल का मेल के साथ। तो इन तरीके के जो सेक्सेस है, जो जो फिजिकल इंटीमेसी है, वो गवर्नमेंट जो है अब तक इसको बैन मानती। तो सारा मसला शुरू होता है 1994 के बाद, 1994 के अंदर एक जो है जो एड्स एलिविएशन टीम थी उनके द्वारा इस मुहिम को चलाया गया, जहां पर जो है इस चीज को प्रकाश में लाया गया कि गे नाम की कुछ चीजें होती है, लेस्बियन नाम की चीजें होती है। पूरे इंडिया को इन सभी वर्डों से अवगत कराया गया न्यूज़पेपर और इस पूरी मुहिम के दौरान। उसके बाद 2006 के अंदर मसला जो है वो फिर जोर पकड़ता है, 2009 में जोर पकड़ता है, 2013 के अंदर जो है ये तो सड़कों तक पहुंच गया ये गे और लेस्बियन का मुद्दा, होमोसेक्सुअलिटी का मुद्दा। उसके बाद 2015, उसके बाद 2016 और उसके बाद 17 और ये फाइनली 18 की 6 सितंबर 2018 की साल भारत के इतिहास के पन्नों के अंदर लिख गई कि इंडियन पिनल कोड की जो आर्टिकल है 377 ये अब जो है मायने नहीं रखती। तो इस एडिटोरियल को जो है डिस्कशन में शुरू करने से पहले यहाँ पर थर्ड पॉइंट में आपको एक वर्ड दिखता है LGBTQ कम्युनिटी। तो ये LGBTQ जो है मैं आपको अंडरलाइन करके बताता हूँ, ये LGBTQ के अंदर L का मतलब है लेस्बियन, यानी लड़की का लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन होना, G का मतलब है गे, यानी कि मेल का मेल के साथ फिजिकल रिलेशन होना, B का मतलब है बाइसेक्सुअल, यानी कि लड़की का लड़की के साथ भी फिजिकल रिलेशन होना, लड़की का लड़के के साथ भी फिजिकल रिलेशन होना। बाइसेक्सुअल उसको मेल के कैटेगरी में देखे तो लड़के का लड़के के साथ भी फिजिकल रिलेशन होना, यानी कि वो गे भी है और लड़की के साथ भी होना, यानी कि नॉर्मल भी है। यानी कि इसके बाद का पॉइंट है ट्रांसजेंडर सेक्सुअलिटी। तो ट्रांसजेंडर सेक्सुअलिटी का मतलब है
कि जो दिखने में मेल है लेकिन फिजिकली फीमेल है, या फिर दिखने में फीमेल है लेकिन फिजिकली मेल है, या फिर आप कहे जो इम्पोर्टेंस वाले जो लोग होते हैं ट्रांसजेंडर, का मतलब है कि ये फिजिकली दिखते कुछ और है लेकिन होते कुछ और है, और इनके जो फिजिकल रिलेशन है वो उनके जो सेक्स है उनके ऑपोजिट नहीं बल्कि अपने साथ के सेक्स वालों के साथ होना। और क्वीर का मतलब है, क्यू का मतलब है क्वीर, जो खुद नहीं जानते कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ, होमोसेक्सुअल हूँ, लेस्बियन हूँ, गे हूँ, क्या हूँ। इसका मतलब है कि जिसको खुद नहीं पता है कि वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। LGBTQ इसका मतलब है ये सारे वो लोग हैं जो कुदरत के नियम के अगेंस्ट के अंदर भी है, जो अब तक किताबों के पन्नों के अंदर है, जिसको हम जो है कुदरत के अगेंस्ट समझते हैं कि मेल का मेल के साथ सेक्स करना कुदरत के अगेंस्ट है, फीमेल का फीमेल के साथ सेक्सुअल रिलेशन होना कुदरत के अगेंस्ट है। यहाँ पर इस कुदरत के अगेंस्ट के पीछे का रहस्य ये है कि कुदरत के अगेंस्ट हम इसको क्यों बोलते हैं, अगेंस्ट द नेचर, द वर्ड अगेंस्ट द नेचर वो क्यों डिराइव होता है। डिराइव होने के पीछे का रहस्य ये है कि जब एक पुरुष का एक स्त्री के साथ शारीरिक संबंध होता है तो उसका रिजल्ट्स कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई टाइम फ्रेम के बाद देखने को मिलता है कि एक नए बर्थ होता है, एक नए बच्चे का जन्म होता है। एक पुरुष से और एक स्त्री के मिलन से जो है एक नया बच्चा पृथ्वी के ऊपर जन्म ले सकता है एक टाइम के बाद। तो यहां पर जो है LGBTQ के अंदर आपको ये कहीं पर भी देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि यहां पर जो है ये कहीं भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेल और मेल के जो शारीरिक संबंध है इससे बच्चा नहीं हो सकता, फीमेल और फीमेल के शारीरिक संबंध से बच्चा नहीं हो सकता, ट्रांसजेंडर सेक्सुअलिटी से बच्चा पैदा नहीं हो सकता। तो इसको जो है अब तक जो है वो मीडिया कहे, या फिर आप कहे कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर आप कहे किसी भी स्टेट की हाई कोर्ट, या फिर आप कहे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैधता नहीं दी थी, इसके पीछे का रहस्य था बच्चा। तो अब जो है हमें बच्चे की तो जरूरत ही नहीं है, अपने देश के अंदर इतनी सारी पॉपुलेशन है, तो आप इस मुद्दों के ऊपर इस पॉइंट को यहां पर नहीं रख सकते। तो फाइनली ब्रिटेन ने भी ये जो 377 वाला जो पॉइंट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन और अपने एक्ट से भी इसको निकाल दिया था 1967 के अंदर, और हम जो है इसको 50 सालों से चला रहे हैं। ऑलमोस्ट 51 ईयर हमारे साथ यहाँ पर हो गए, उनके कंपैरिजन में हमें देखे तो 51 ईयर से यहाँ पर हमारे देश में 377 लगता रहा है। तो अभी जो है 5-0 वर्डिक निकल गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, जहां पर जो है 2 मेंबर बेंच जो है सुरेश कुमार कौशल और इनके साथी की जो थी बैच, उसकी जो हाई कोर्ट के अंदर वर्डिक आई थी उसके यहाँ पर ओवरविलिंग जो है सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल वर्डिक दे दी है कि उस वर्डिक को जो है हम मायने रखते या नहीं रखते ये मायने नहीं है। लेकिन अभी जो इंडिया के अंदर जो है होमोसेक्सुअलिटी को परमिशन है, LGBTQ को परमिशन है, चाहे कोई इंडिविजुअल अपने किसी भी जेंडर के साथ, यानी कि खुद के मेल मेल के साथ, फीमेल फीमेल के साथ, ट्रांसजेंडर के साथ, किसी भी तरीके से कोई भी एक बंद कमरे के अंदर क्या प्रवृत्तियां कैरी आउट करते हैं, उससे जो है हमें समाज के अंदर उसके साथ किसी भी तरीके के बिहेवियर में चेंज लाने की किसी भी तरीके की जरूरत नहीं है। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का यहाँ पर नाम देखने को मिलता है इस एडिटोरियल के अंदर। 2013 के जो कौशल लार्जर बेंचेस वाली जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक थी वो यहाँ पर दिखाई देती है। उसके बाद है जस्टिस KS पुट्टस्वामी 2017 का प्राइवेसी केस, इसके साथ क्योंकि आधार वाला जो मसला खड़ा हुआ था इसके साथ ये भी मसला उछाला गया था। दीपक मिश्रा ने क्या कहा था, जो हमारे CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके वर्ड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और कुल मिला के सभी चीजों के साथ अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी जो है वहां पर इसको कहा गया कि भाई सोशल मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को आप जो है एक अलग अलग दृष्टिकोण से नहीं देख सकते और इसको एक दूसरे के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो RH नरीमन, DY चंद्रचूड़ और जो अभी मसले में थी इंदु जस्टिस इंदुमती, इन सभी के पॉइंट यहाँ पर जो है, इंदु मल्होत्रा, इन सभी के पॉइंट यहाँ पर जो है रखे गए और डाइल्यूजन हो गया है अभी 377 सेक्शन का, यानी कि अब जो है इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। और जो 377 अब तक जो पढ़ी जाती थी इंडियन पिनल कोड के अंदर उसको पढ़ने की ही जरूरत नहीं है, उसको हमने हटा के फेंक दिया है। और यहाँ पर मेन जो चीज है, गे को परमिशन देना, लेस्बियन को परमिशन देना, LGBTQ चाहे सभी को परमिशन देना, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर इस जजमेंट से निकल के आता है तो मीडिया से आप दूर रहिए और समझने वाले पॉइंट को समझिए। तो वो ये पॉइंट है कि अगर कोई लेस्बियन है, या अगर कोई गे है, या अगर कोई बाइसेक्सुअल है, या फिर अगर कोई ट्रांसजेंडर सेक्सुअलिटी के अंदर बिलीव करता है, तो उसके साथ आप सोसाइटी के अंदर
जो है एक डिफरेंट तरीके से बिहेव नहीं कर सकते, आपको उनके साथ भी जो है नॉर्मल बिहेवियर की तरह ही बिहेव करना है। ये उनकी निजी जिंदगी है कि वो कौन से सेक्सुअल जोन के अंदर रहना चाहते हैं। हम या फिर आप किसी भी पर्सन के साथ इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते कि वो अलग है, वो डिफरेंट है, या फिर वो अच्छा पर्सन या अच्छी पर्सन नहीं है। हमें सभी के साथ अच्छी तरीके से ही बिहेव करना है। ये इस पॉइंट का मतलब जो हमें मेनली समझना है, यानी कि हम उनके साथ इनइक्वालिटी वाला बिहेवियर नहीं रख सकते। ये है कानून का कहना, ये हमें सबसे ज्यादा समझने वाली बात है। कई देशों के अंदर, कई स्टेट के अंदर, कई जगहों पे ऐसा देखा गया है, कई कंट्रीज में ऐसा देखा गया है कि किसी का गे होना ये क्राइम था, किसी का गे होना उसको जॉब से निकाल सकता था, किसी का गे होना या लेस्बियन होना उसको कहीं पर काम न मिलने की वजह बन सकता था। लेकिन अब जो है ये नहीं हो सकता। अगर कोई गे है या कोई लेस्बियन है तो कोई उसको काम पर ना रखने का ये कारण नहीं बता सकता, काम से निकाल देने का भी ये कारण नहीं बता सकता है। तो ये एक अब तरीके से बोल सकते हैं, ये कोई अब हिडन, ये कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। ये अब जो है उन लोगों की आप स्ट्रेंथ कहे या उनकी वीकनेस कहे या उनकी जो है ये राइट कहे, लेकिन अब जो है उन लोगों को भी नॉर्मल्स की कैटेगरी के अंदर आपको रखना है, सोचना है और समझना है। तो प्यार प्यार होता है, जैसे हमने पहले पिक्चर के अंदर देखा था, उसी तरीके से यहाँ पर आर्टिकल का अंत यही होता है। जो मतलब मैंने बोला है वो मतलब आपको जरूर से याद रखना है। कहीं पर पूछे जाने वाले मेंस या प्रीलिम्स के क्वेश्चन के अंदर आपको वो पॉइंट जरूर से याद रखना है। ऑड वन आउट के अंदर ये क्वेश्चन जरूर से आने की संभावनाएं है। एडिटोरियल के अंदर इतना ही है आपकी राइटिंग स्किल इनहेंस और इंप्रूव करने के लिए, अंग्रेजी के 10 शब्द जिससे आप जो है ऐसे राइटिंग और आंसर राइटिंग के अंदर अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। और ये अगर आपको वीडियो कंटेंट और एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, पूछे गए क्वेश्चन का आंसर जरूर से दीजिए। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।